नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में से तीन राज्यों में जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे तब इंडिया यानी कांग्रेस जीती थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया जीतेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। तेलंगाना बोनस है, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीतेगी। तेलंगाना में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिल रही। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं टाइम पे, अच्छी बात है। उसमें से 3 राज्यों में तो 5 साल पहले इंडिया यानी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया अलायंस जीत जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और तेलंगाना बोनस है। आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें भी तेलंगाना में नहीं मिल रही। लेकिन मेरा इलेक्शन कमीशन से एक अपील है, 5 राज्यों की चुनाव की तारीख आप डिक्लेयर कर रहे हो तो मुंबई महानगर पालिका 2 साल से चुनाव के लिए तरस रही। यहाँ की जनता महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के साथ 14 महानगर पालिका के चुनाव अपने रोक कर रखे और एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से आप यहाँ लूटमार और भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप यहाँ कब चुनाव लेने जा रहे हो, यह हमारा सवाल है। वहीं अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में वी स्टैंड फिलिस्तीन, एएमयू स्टैंड फिलिस्तीन के साथ कई तरीके के पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने वहीं इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अल्लाहु अकबर के नारों के साथ तरह तरह के धार्मिक नारे लगाए। दरअसल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल का समर्थन किया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। आज जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाबे सैयद तक आए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया, वाकई पिछले 70 सालों से जो फिलिस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके। और हमारी दुआ भी है, हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मगफरत करे। और दूसरी बात ये है, हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के, वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करें। चुनते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िश्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं। वहीं ओबीसी आर्मी के तत्वाधान में राष्ट्रीय पिछड़े जाति महासमागम का आयोजन चौरी चौरा में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने की, साथ ही संचालन राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि हम पिछड़े और दलित एकता के लिए लगातार मुहिम पर हैं और जातिगत जनगणना कराकर पिछड़े की आबादी के अनुसार हक दिलाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ओबीसी समाज के ये तत्वाधान में यहाँ के हमारे काली शंकर भैया, उनकी पूरी टीम एक सभा है, महासंग्राम का है इसको, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने का जो काम करता है तो जनता समाज ही होता है। जब जनता समाज के लिए अपने अधिकार मांगना है तो संगठन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ कि एक कुत्ते को आप पत्थर उठा के मारोगे तो कुत्ता डर के भाग जाएगा, बिल्ली को पत्थर उठाओगे तो बिल्ली भी डर के भाग जाएगी, लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई पत्थर उठा के मारे तो उसका हाल उनका चेहरा सुझा देगा। जिंदगी में हमारा जो समाज है उनको भी ऐसे आगे आना चाहिए।
आठ अक्टूबर को साहित्य और कला परिषद मध्य प्रदेश की तरफ से सीमा नैन को श्रेष्ठ गजलकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य और कला परिषद द्वारा सीमा नैन को गाउन पहनाकर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 55 गजलकारों को ये सम्मान मिला है। इस मौके पर संस्था ने सीमा नैन की गजल संग्रह अल्फाज़े नैन का विमोचन भी किया। देश के जाने माने साहित्यकार और लोक मंगल पत्रिका के संपादक पुरुषोत्तम चैतन्य जी ने अल्फाज़े नैन की सराहना की। इस दौरान ग्वालियर जाने के जाने माने साहित्यकार रमेश कटारिया, पारस मनोज, फगवाड़वी खालिद हुसैन, ए बी दुबे, प्रधान संपादक शब प्रभात श्रीमाली और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सीमान जी का जो गजल संग्रह निकला है ये सचमुच में बहुत अच्छा एक उपलब्धि है और इसका गेटअप आप देखिए, ऐसे गेटअप में किताब निकलनी चाहिए। वो क्या रहा है, किताबों पर बड़ा भारी संकट है। ये जो मोबाइल रूपी जो एक उपकरण चल गया है इसके कारण लोग किताबों की ओर ध्यान देना कम कर रहे हैं, लोग मोबाइल देखते रहते हैं। किताब तो ये समझ लीजिए, किताब है तो साहित्य का सिलसिला आगे बढ़ता है, और ये मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें छद्म हैं, ये सब क्षणिक फरेब है। असली वास्तविकता ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और इन पुस्तकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वह किसान नेता राकेश टिकैत अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। किसानों के हित के सवाल पर उन्होंने बिहार के नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमला किया है। रविवार को दूसरे दिन उन्होंने भभुआ में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करे और कम से कम कीमत पर अनाज खरीदने वाले विषयों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसा नहीं किया तो पटना की सड़कों पर भी ट्रैक्टर चलेगा। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने एक शर्त भी रखी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नीतीश कुमार अगर किसानों को MSP की गारंटी देते हैं तो न सिर्फ उनकी मदद करेंगे बल्कि PM बनने के लिए उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे। जो फसलों की लूट होती है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंडी बहाल यहाँ की जो बाजार समिति है, किसान अपनी फसल को कम से कम वहाँ लेकर तो जाए, जिसको लेना वहाँ से ले ले, फिर मंडी में कौन खरीद कर आएगा पता तो चले। लूट हो रही, हजारों ट्रक रोज जा रहे यहाँ से। बिहार में किसानों की खुलेआम लूट हो रही सरकार की पॉलिसी की। उससे बड़ा तो ये भी कि बिहार से 1 किलो भी अनाज MSP से नीचे भी नहीं जाएगा। भाई छत्तीसगढ़ में भी तो खरीद कर रही सरकार, व्यापारी सस्ते में खरीद करेगा। रुपएगा लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, सस्ते में फसलें यहाँ पे बिकती है, यह आंदोलन चलेगा। आपने सासाराम में कल किसान संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, इस बार किस आधार पे? हमने कहा कि यही कह रहे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बका भाई प्रधानमंत्री तो जब बनोगे ना, पहले मंडी बहाल करो फिर कहियो अपनी बात। तो इसका विरोध कर रहे क्या सरकार से? आपकी बात हुई है सरकार से? बात नहीं, सरकार बात करेगी तो हम बात जरूर करेंगे। भाई मंडी बहाल कर दे, अच्छा आधे आधे रेट में फसल लूट रही, किसान सपोर्ट तो करेगा? और हम ऐसी जगह तो हुए जहाँ पे किसान बिल्कुल दबा दिया हो, इस किसान को उठावेंगे आधे में। अच्छा ये बताओ 1200 रुपये ज्यादा हो या 2100 ज्यादा हो, ये 1200 में फसल बेचेंगे और इनका 2100 में भी कर लेगा तो ये तो आएंगे आंदोलन में, ये लड़ाई लड़ेंगे। पहला होगा अपना गांव अपनी सड़क, अपने गांव से सड़क पाना पहले ने, पहले झटके में 4 घंटे की कोल देंगे उसको 5 की, तो जो जो लोग सड़क पा जाएंगे वे आंदोलन से जुड़ गए। दूसरा होगा चौराहे और तीसरा होगा GT रोड, उस पर फतह हो जाएगी। या तो सरकार बातचीत करके इसको बहाल कर देगी और नहीं तो GT रोड पर संघर्ष होगा। जो फसलों के भारतीय एशियन गेम में अब तक 107 मेडल जीत चुके हैं, चौथे नंबर पर भारत है। इन मेडल में 12 मेडल उन खिलाड़ियों ने जीते हैं जिन्होंने रिलायंस फाउंडेशन
से सपोर्ट लिया था। फाउंडेशन के सपोर्ट वाले इन खिलाड़ियों ने देश की सफलता में अपनी अहम भूमिका निभाई है। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने टीम इंडिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया फॉर मेकिंग आवर कंट्री प्राउड एट द एशियन गेम्स। योर हिस्टोरिक टैली ऑफ ओवर 100 मेडल्स इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ इंडियाज यूथ। We are also proud of our Reliance Foundation athletes for winning 12 medals at the Games. A special shout out to Kishore Jena, Jyoti Yaraji, Palak Gulia, the 17-year-old teen phenomenon and many more for their outstanding performance. At Reliance Foundation, we remain committed to supporting our young athletes and fostering and nurturing talent in sports. Keep making India proud. Jai Hind. Congratulations, Team India. वहीं दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 4 राज्यों में हम अपनी सरकार बनाएंगे, 5 में भी बना सकते हैं। चुनाव का हम स्वागत करते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर जगह कांग्रेस की विजय होगी। चुनाव बनाएंगे, 5 में भी बना सकते हैं। इस तरह चुनाव का हम स्वागत करते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हर जगह कांग्रेस की विजय होगी। लद्दाख की जीत पर क्या कहेंगे? लद्दाख बनाएंगे, 5 में भी बना सकते हैं। इस तरह चुनाव का हम स्वागत करते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हर जगह। वहीं कसौली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मंत्री जगदीश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कहा कि पूर्व मंत्री जगदीश यादव बार बार कहते हैं कि उन्होंने कसौली से एमपी और एमएलए बनवाए। अगर उनका यह कथन सही होता तो जीत के आंकड़े कुछ और ही होते। वास्तविकता तो ये है कि 2019 में जगदीश यादव के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए नकारात्मक भूमिका निभाई, जिससे वो भूल गए हैं। और जहां तक कसौली के विकास की बात है तो उसकी फहरस्ती बड़ी लंबी है, जिसे गिनवाने में एक लंबी डिबेट करनी पड़ सकती है। वो तो जाने वाला उस पार्टी की बुराई करता है जिसको छोड़ता है, तो स्वाभाविक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जगदीश यादव से कुछ अब जाएगा, वो अगली पार्टी में जाएगा, अब उसके गीत गाएगा। बीजेपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा सर? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं भाई? अब वो बार बार कहता है कि हमने एमएलए एमपी बना दिए, लेकिन जो खुद 6 चुनाव में से 1 चुनाव जीता हो, और 2014 में भी हम 42,000 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोसली हल्के ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताया। उसके बाद 19 में अरविंद शर्मा जी को 75,000 के मार्जिन से पार्टी ने जिताया। तो अगर वो हमारा साथ देते तो वो बीच के मार्जिन कहाँ चला गया? मेरे को 38,600 वोट मिलते हैं। वहीं पंजाब पुलिस द्वारा अब नशा तस्करों की नई लिस्ट बनाई गई है। उनके मुकदमे से उनकी जायदाद को अटैच करना शुरू कर दिया गया है, ताकि अदालत द्वारा इन संपत्ति को कुर्क किया जा सके। इसी कड़ी में भटिंडा थर्मल पुलिस द्वारा टीचर कॉलोनी में एक कोठी के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए थाना थर्मल के इंचार्ज SI हरजोत सिंह ने बताया कि SSP भटिंडा की हिदायत है कि नशा तस्करों की नई संपत्तियों को पड़ताल करके मुकदमे के साथ उन्हें अटैच किया जाए। इसको लेकर उनके पास एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी से संबंधित रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजी गई थी, जिसके बाद नोटिस चस्पा की कार्रवाई की गई है। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਛਿਪਕੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। वहीं भटिंडा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भटिंडा पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किए गए ट्वीट पर निशाना साधा है। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शब्दों के व्यापारी हैं, अब वो विरोधियों को नियंत्रित कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर डिबेट की जाए। खुद इतना ही बता दें कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक कर पंजाब के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया गया। भगवंत मान साहब इधर उधर की बातें करने से पहले पंजाबियों को इतना ही बता दें कि 4 तारीख को चंद दिन पहले पंजाबियों के पीठ में, हमारे किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के पीठ में खुरा छोप के सुप्रीम कोर्ट की अदालत में भगवंत मान साहब ने इतना बड़ा विश्वासघात और धोखा क्यों किया। भगवंत मान साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की तरफ से बोला है कि हम SYL बनाने को तैयार है, हमें विरोधी जमीन अक्वायर करन नहीं दे रहे। जो आपके पास उनकी ये याचिका में ये लिखा हुआ नहीं आपके पास है, तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। याचिका में उन्होंने ये बोला है कि हमें विरोधी नहीं बनाने दे रहे। अब सबको पता है इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जब केजरीवाल और राहुल गांधी इकट्ठे हो गए हैं तो विरोधी पंजाब में कौन बचा। यहाँ पे जो मर्जी बोलते रहे, इनकी आला कमांड भगवंत मान केजरीवाल के बाहर नहीं है और कांग्रेस तो चलती राहुल गांधी, सो विरोधी कौन है। विरोधी वो अकाली दल है जिसने कपूरी में जब इंदिरा गांधी ने SYL का टक लगाने के लिए चांदी की काई लेके अमरिंदर सिंह ने टक लगाया था, वही बादल साहब ने कपूरी में भी तब भी विरोध किया था। और 2016 में जब हमारी सरकार बनी, डी नोटिफाई करके SYL की पूरी जमीन किसानों के नाम उनको वापस कर दी और कहा कि ये किसी अदालत में एंटरटेन नहीं हो सकती। वहीं भटिंडा के नए बस स्टैंड के लिए कई सालों से बार बार जगह बदली जा रही है, कभी डबवाली रोड, कभी मानसा रोड, कभी बरनाल रोड और अब मलोट रोड भटिंडा शहर के बस स्टैंड के लिए चुनी गई है। शहरी विधायक कह रहे हैं कि मलोट रोड पर नया बस स्टैंड बनेगा। खुद CM ने भी मौके का जायजा लिया है और नक्शा देखा। इस दौरान CM भगवंत मान ने कहा कि लोगों की राय के मुताबिक ही भटिंडा का बस स्टैंड बनेगा। नहीं बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जिहड़ा कल भगवंत सिंह जी मान ने फैसला लिया गा, बिल्कुल जिहड़ा लोगों के अदारे है तो लोगों लई सहूलतां इह लोगों की राय दे नाल ही होनियां चाहीदियां, क्योंकि आपां देखदे हां भी कांग्रेस सरकार वेले जिहड़ा पटियाला दा बस स्टैंड है जी उह बदल के पटियाले बाहर शिफ्ट करता जी, उह हजे तक उत्थों जिहड़े कि छोटे मोटे कारोबार दुकानां धंधे वाले सीगे जी विचारे, उह हजे तक भटक रहे आ, कोई उहनां नूं न्याय नहीं मिल रिहा जी। बाकी सवारियां दी वी बहुत खजल खुआरी हो रही है, जिमें कि जोड़े उत्थे चुंगी दे जाण वाले हुंदे सी ते दुख निवारण साहब जाण वाले हुंदे सी, रजिंदरा हस्पताल जाण वाले हुंदे सी कि उह सवारियां दी खजल खुआरी हो रही है। इवें हुण अपने बठिंडे दे विच आ जी, जे आपां इत्थों बस स्टैंड हिलाउणे आ तां जी जिहड़े नेड़े तेड़े दे जिहड़े बाजार आ दुकानां आ इह सारियां पूरा प्रभावित होणगियां जी। जिहड़ा हुण लोकां नूं उत्थे सहूलत आ जी, नेड़े कचहरियां आ जी ते सारे सुख सहूलत नेड़े आ, बाजार नेड़े आ जी, जे आपणा बस स्टैंड बाहर। वहीं पन्ना में मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान के तत्वाधान में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन नगर के होटल सानवी लेन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे। इस आयोजन में सैकड़ों प्रबुद्ध लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही महिलाओं की भी भागीदारी रही। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राष्ट्र जिस प्रकार निरंतर आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार केंद्र और राज्य में बन रही है, जिससे सिद्ध होता है कि BJP की सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है, सो भाई कहेंगे हम हर साल रिजल्ट कार्ड अपना लेकर जाते हैं, जो राज्य में जो योजनाएं हम काम करते हैं गरीब के कल्याण के लिए, जो भी लाभार्थियों के लिए हम काम करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहते हैं, कभी संगठन के बीच में, कभी जनता जनार्दन के बीच में, कभी प्रबुद्ध वर्ग के बीच में। आज प्रबुद्ध वर्ग के बीच में चिंतन बैठक था, इस प्रकार की बैठकों में हम लोग अपना एजेंडा लेकर जाते हैं, एक हाथ में राष्ट्रवाद का और दूसरे हाथ में विकासवाद, यानी एक तरफ राष्ट्रवाद मेरा मजबूत होना चाहिए, दूसरे हाथ में एक विकास की गंगा बहना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, शोषित, वंचित का कल्याण होना चाहिए, भरपेट भोजन मिलना चाहिए, रहने के आवास मिलना चाहिए, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो और बैंक का उनका अकाउंट हो। तो आज़ादी के बाद, आदरणीय मोदी जी आने के बाद, राज्य के अंदर शिवराज जी के आने के बाद, ये सभी किसानों का या सभी गरीबों का अपना बैंक का अकाउंट है,
पक्का मकान बन रहा है, जिनका शेष मकान है वो 2024 तक हम पूरा करेंगे। गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और पानी का भी पहली बार कनेक्शन यानी पाइपलाइन और टोटी उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ है और बहुत घरों पर लगभग 63 के ऊपर पहुंच गया होगा। शेष 2024 तक सभी घरों तक पानी हम लोग 100% पहुँचा देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल लटेरी की बैठक स्थानीय चैनपुरा आश्रम के सामुदायिक भवन में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मंडल के मतदान के त्रिदेय और पलक संयोजक सम्मिलित हुए। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री और विदिशा जिले की प्रभारी लता वानखेड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। चाहे वो बूथ की हो, चाहे वो शक्ति केंद्र की हो, चाहे वो मंडल की हो, हम सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर समागम है। और इतनी कठिन परिस्थितियों में जब खेती किसानी का काम चरम पर चल रहा है, वैसे समय में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत अभिनंदन है बंधुओं। और अब हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे केंद्रीय, वहीं शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध मादक पदार्थों, अवैध गांजा, अवैध हथियारों और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर बसई रोड 0 पॉइंट पर चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल से आते लोगों को पुलिस ने रोका। जब वो भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 4 किलो गांजा मिला। पुलिस ने 4 किलो गांजे सहित मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए गांजे की कीमत 80,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब और गांजे के ऊपर निरंतर कार्रवाई करने के लिए, तो आज इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बसई तरफ से, पास में हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी। वहाँ 2 व्यक्तियों के जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनके कब्जे से हम लोगों ने 4 किलो गांजा जब्त किया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लगभग कितनी कीमत? 4 किलो गांजा है, करीब 80,000 रुपये की कीमती का गांजा है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।